हम बिहार एजुकेशन सर्विसेज ज्वाइन करके समाज के हर वर्ग के लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं बेहतर कानून व्यवस्था के लिए हम ज्वाइन करेंगे बिहार पुलिस सर्विस और अपने में पावर का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे ये लोग देख रहे हैं बिहार को बेहतर बनाने का सपना और सपनों को सच करने के लिए महंगी कोचिंग फीस देना जरूरी नहीं न के टॉप टीचर्स के साथ घर बैठे होगी बीपीएससी की तैयारी डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप

मस्त ये क्या हो गया भाई चलिए ऑल राइट ऑल राइट अगर सब क्लियर है तो जरा जाइए और इस सेशन को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ फटाफट फड़ से शेयर करके आइए सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना प्लस जो लाइक बटन है उसको क्लिक करके अपनी अटेंडेंस को भी फटाफट फड़ से मार्क कर दीजिएगा ठीक है चलिए आ जाइए सो बेसिकली इस मॉक टेस्ट का मकसद क्या है इस मॉक टेस्ट का जो मोटिव है जो मकसद है वो ये है कि आप सभी को पता चल पाए कि आप किस लेवल पे हो इस टाइम और आपको अभी कितनी मेहनत और करने की रिक्वायरमेंट है ठीक है अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए ठीक है क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में क्या बातें करते रहते हो उल्टी सीधी रुक जाइए लेट मी वे माई आईज आंखें पहन के फिर देखो चलिए चलिए परफेक्ट परफेक्ट चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की सबसे पहले ये है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम आप में से जो नया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है क्योंकि पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है मैं बस जाके टेलीग्राम पे शेयर कर दूं कि सेशन लाइव हो चुका है ठीक है मी शेयर द सेशन और आप लोग भी जाके अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को फटाफट से शेयर करके और आएगा भाई आज मजा क्योंकि यहां पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली है क्या एक्चुअली लेवल क्या है आपको एग्जाम में क्या लेवल मिलता है ये चीज आपको यहां पर पता चलने वाली है ठीक है चलिए आज आइए फटाफट से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बिल्कुल स्पीड में आंसर करोगे सारे बिल्कुल स्पीड में फटाफट से आंसर दीजिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है लेट्स सी बताओ जरा इसमें गलती कहां पर है भाई गलती बताना चाहोगे Let's see. लोगों का कहना है इस पहली चीज तो यार बड़े डल से लग रहे हो ऐसा क्यों आज फास्ट रखा है क्या जो मेहनत वेहनत नहीं हो रही है बड़े डल से पढ़ो यार एक बात बताओ आपको नहीं लगता कि आप फास्ट में ज्यादा खाते हो नॉर्मल डेज से तो नॉर्मल डेज से ज्यादा खाकर इतने ठंडे यहां पर बैठे हो यार ऐसे काम चलेगा नहीं ठीक है तो जाइए जरा सा फटाफट से सेशन को शेयर वेयर करके आओ अब देखना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से फेथ एज एज वेल आर नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ अब यहां पे क्या लिखा है जुड़े हैं आपके दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से रूल कहता है आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कि जो वर्ब है ना वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को अग्री करती है ये फेद अनकाउंटेबल है तो लेगा सिंगुलर वर्ब तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा यहां पे आंसर हो जाएगा सिंगुलर दैट इज इज नेसेसरी ठीक है चलिए वेरी गुड चले अगले सवाल के ऊपर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप यार फास्ट का तो मतलब ही होता है कम खाओ और लोग यहां पर फास्ट में पकौड़ियों और पूड़ियों और पता नहीं क्या क्या चीजें उड़ा रहे हैं जोमेटो पे मेरे पास आता अभी शाम को एक नोटिफिकेशन जोमेटो से आता कि अनन्या भूख तो लगी होगी ना सम कूटू के आटे की पकौड़िया मैंने कहा हुआ बेटा यहां हम फास्ट रख रहे हैं एक तो थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस भी है यहां पे हम फास्ट रख रहे हैं कि बॉडी हमारी डिटॉक्स डिटॉक्स हो जाए थोड़ा सा कम खाएं कैलोरीज कम ले हमको बता रहे अनन्या सम साबूदाना की कचौड़ियां और पता नहीं कूटू के आटे की पकौड़िया मतलब कमाल करता है जोमेटो भी चलिए आंसर दीजिए फटाफट से अच्छा शोज होना चाहिए लॉट ऑफ अफेक्शन ऑन हर क्या लग रहा है इसमें आंसर इसमें गलती क्या दिख रही है यार आपको जितने लोग यहाँ पर मुझे गलती बता रहे कोई गलती इसमें नहीं है मृदुला की मदर उसके ऊपर बहुत सारा प्यार दुलार शार करती हैं बरसाती हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर लोग नो वेदर ऑप्शन नंबर राइट आंसर ठीक है आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर अगला आंसर मुझे बताओ बिल्कुल फटाफट फड़ से क्वेश्चन क्या कहता है माई मदर नॉट लाइक मी चैटिंग लेट एट नाइट बताइए किसकी मम्मी को ये चीज पसंद है खैर सबकी ही मम्मी को खराब लगती है आंसर बताओ फटाफट फड़ से सब बिल्कुल स्पीड में झट से आंसर दीजिएगा सभी लोग देखें जरा किसका आंसर यहां पर आता है चलिए Sorry, हम किनारे बीच में खड़े हो गए थे यार, आरम सो सॉरी फॉर दैट अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सा मुद्दा है कि माई मदर नॉट लाइक मी चैटिंग ये जो चैटिंग है ना ये चैटिंग एक्चुअली है क्या नाउन है प्रोनाउन है वर्ब है यह है क्या बताना चाहोगे चैटिंग है क्या ये चैटिंग एक नाउन है बेसिकली है जेरेड जेरेंट क्या होता है जेरेंट होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो काम करे नाउन का बस उसी को हम जेरेंट कहते हैं तो बेसिकली बचपन से हम ग्रामर में सीखते आ रहे हैं कि नाउन को जो चीज मॉडिफाई करती है ना वो एक एडजेक्टिव होती है ना कि प्रोनाउन मी यहां पर प्रोनाउन है लेकिन हमको क्या मतलब हमको पता है कि नाउन को जो मॉडिफाई करेगा वो तो होगा एक एडजेक्टिव तो हम इसको बना देंगे एडजेक्टिव कैसे पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव बना देंगे हम यहां पे लिख देंगे माय दैट्स इट आई बात समझ में तो आंसर क्या हो जाएगा माई मदर डज नॉट लाइक माई चैटिंग लेट एट नाइट बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में हो तो बताइए हमें चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार सभी लोग जाओ और जरा लाइक बटन पे क्लिक कर दो मुझे यहां पे बड़ी ठंडक महसूस हो रही है ठंडक इन द सेंस आप लोग का जो जोश है बहुत ही ठंडा बहुत ही ढीला लग रहा है क्या ये मेरे स्टूडेंट्स हैं सीरियसली अनन्या मैम के स्टूडेंट्स की इतना जोश होता है मतलब कमेंट सेक्शन ऐसे ऐसे चल रहा है सीरियसली ये अनन्या मैम के स्टूडेंट्स का जोश है मैम यहाँ पे फास्ट होने के बावजूद ऐसे चीख रही हैं जैसे मैम के अंदर हंड्रेड परसेंट एनर्जी है और आपको देखो जरा आपसे बताइए अवार्ड वॉज डिक्लेयर अगेन जर्मनी बाय इंग्लैंड आंसर दीजिए वही तो मेरे ही स्टूडेंट हैं तो ऐसे कैसे वही तो हम डाउट हो गया हमको मेरे ही स्टूडेंट हैं तो इतने डल कैसे हैं भाई पहचान रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा पहचान रहे हैं मेरे ही स्टूडेंट्स हैं चलिए बताइए आंसर इसका ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है राइट वॉर वॉज डिक्लेयर आपको मैंने दिन में एक बजे वाली क्लास अच्छा लेते हो कि नहीं आप में से कौन सा कौन स्टूडेंट है जो एक बजे वाली क्लास नहीं ले रहा है अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हो एक बजे लाइव नहीं ले पाते हो तो कोशिश किया करो ना उसका रिकॉर्डिंग फॉर्म देख लो एक बजे वाली क्लास में मैं एक एक point, एक एक पॉइंट चीज आपको बताती समझ लो स्टेटमेंट्स का डाइसेक्शन होता है एक बजे ठीक है तो ये बेसिकली इसकी वॉइस पता है पैसिव वॉइस है आज सुबह मैंने प्रॉपरली समझाया था पैसिव वॉइस है वॉर डिक्लेयर करी गई है क्योंकि वॉर यहां पर ऑब्जेक्ट है और इससे हमें पता चलता है कि पैसिव वॉइस है और यहां पे पैसिव वॉइस है तो वॉस डिक्लेयर बिल्कुल सही है की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म इसमें कोई भी एरर नहीं है ऑप्शन नंबर नंबर इज इज द द राइट राइट आंसर आंसर ऑप्शन नहीं ले पाया करो तो रिकॉर्डिंग जरूर से देख लो ठीक है सारे लोग जाकर एक बजे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ठीक है कोई टेंशन नहीं है कभी कभी लेकिन बाद में देख लिया करिए एक बजे वाली क्लास इंपॉर्टेंट बहुत है इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं चलिए अगला सवाल आपके पास आ चुका है देखें भाई वो क्या आप सोर्सेस क्या फॉलो करें वो कैब के लिए आप मेरी क्लास भी ले लोगे ना तो आपके लिए है अगर आप डिफेंस और एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं आयुष आप देख सकते हो ना उसकी रिकॉर्डिंग ब्लर हो रही है क्योंकि आपका इंटरनेट लो हो रहा है थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिया करो बंद करके दोबारा खोला करो जब क्लास ब्लर हो जाए ठीक है बताइए जरा अच्छा डिवाइड द केक बिटवीन दो बिटवीन यूज होता है दो के लिए और मोर दान के लिए हम अमंग यूज करते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा यहां पर पूछ रहा है इनमें से कौन सा ग्रामेटिकली गलत है सो डिवाइड द केक बिटवीन नहीं अमंग फाइव बॉयज डिवाइड द केक इन टू फोर पीसेस बिल्कुल सही है केक बिटवीन श्रेन राहुल बिल्कुल सही है फ्रॉम द सेंटर बिल्कुल सही है कोई डाउट इसमें कोई शक कोई परेशानी इस क्वेश्चन में चले आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप बताना जरा इसका आंसर सारे इनमें से कुछ गलती है क्या किसी में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है देखे भाई जल्दी से आंखों में चुभना चाहिए ये वर्ड आपको इतनी इंग्लिश पढ़ने के बाद मतलब बिल्कुल बर्दाश्त ना हो ये एस लगा हुआ लगेजेस में लगेजेस क्या होता है कुछ नहीं होता है ठीक है वर्ड इज लगेज तो क्या हो जाएगा सम लगेज हो जाएगा नॉट लगेजेस आंसर इज ऑप्शन नंबर वन आपसे पूछा था इनमें से गलत कौन सा है ठीक चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप अगला सवाल हमारे पास ये रहा बताइए जरा आंसर चुभना चाहिए बिल्कुल चुभना चाहिए आंखों में आई हैव नोन हिम सिंस टू ईयर्स टू ईयर्स क्या है ड्यूरेशन है है ना टाइम पीरियड है ड्यूरेशन है और ड्यूरेशन के साथ हम हमेशा फॉर लगाते हैं सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है ड्यूरेशन के लिए लगता है फॉर सो आई हैव नोन हिम फॉर टू ईर्स आई हैव नोन हिम फॉर टू ईर्स हो जाएगा आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री ठीक चले आगे अगला सवाल दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट बताओ जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर डाल के अच्छा क्या करोगे आप हमको बताओ क्या आपको चाहिए हम क्वेश्चन नंबर नहीं डालते क्योंकि पता है बीच से हमें कभी कभी क्वेश्चन रिमूव करने होते हैं कभी ऐड करने होते हैं आप टीचर नहीं हो तो ये सारी चीजें आपको नॉलेज नहीं है कभी कभी मैं बीच में क्वेश्चन और ऐड करती हूँ कभी डिलीट करती हूँ तो क्वेश्चन नंबर गड़बड़ नहीं हो जाएगा कि आपको इतने फास्ट हम लग रहे हैं कि मेरा हाथ इतना तेज है पीपीटी वगैरह बनाने में कि जल्दी जल्दी मैं नंबर तुरंत चेंज कर दूंगी ऐसे नहीं होता ना यार अगर ऐसे होता तो मैं कब का नंबर डाल चुकी होती आप लोग के कहने पर अलाउ होना चाहिए हम्म सही कह रहे हो सही कह रहे हो बहुत अच्छी ग्रामर है आपकी अलाउ सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है पहले हमको ये बताओ अलाउ सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है नाउन में एस लगाओ तो वो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब में अगर एस लगाया जाए ना तो वो सिंगुलर हो जाता है अलाउज यहां पे सिंगुलर वर्ब है जस्टिस एज वेल एज मर्सी वर्ब किसको अग्री करेगी पहले वाले को अग्री करेगी जस्टिस अनकाउंटेबल है तो क्या इसमें गलती है हमको बताओ आज हम जानना चाह रहे हैं इतनी क्योंकि मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हो ना ये आपसे एक्सपेक्टेड है नहीं बिल्कुल भी मुझे बताइए इसमें क्या गलती है और क्यों गलती है अब नो एनर मत बोलो गलती बोली है तो हमको बताइए कैसे आपने अलाउ बोला यहां पर पहला सवाल इस क्वेश्चन पे बेस्ड था फिर भी गलती करी फेद और वाला इसको आप भेड़चाल ना कहें तो फिर किसको हम भेड़ चाल बोले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप चलिए आंसर बताओ जरा इस क्वेश्चन का अपने मां बाप की परवरिश दिखाने मेरे कमेंट सेक्शन में मत आए ठीक है हमें पता है आपकी माँ बाप आपको कैसी परवरिश देते हैं ठीक है शायद आपस में भी वो ऐसे ही बात करते होंगे है ना तो उनकी परवरिश मत दिखाओ यार उनकी बदनामी हो रही है शायद मुंह भी ना छुपा पाए वो तो मत दिखाओ चलिए देखिए डिड नॉट नो वॉट टू डू ही वुड हैव सी जल्दी से बताइए बेटा ऐसा काम कभी मत करो कि माँ बाप को शायद शर्मिंदगी से जान तक देनी पड़ जाए इतना शर्मिंदगी वाला काम मत किया करो ठीक है क्योंकि आप तक पहुंचना मैं फिर से बता रही हूं आप तक पहुंचना आपके घर तक पहुंचना बहुत आसान है बहुत ज्यादा आसान है और भगवान की कृपा से हमारे घर में ना थोड़े से लीगल वाले लोग थोड़े हैं ज्यादा कोर्ट कचहरी वाले लोग हमारे घर में काफी ज्यादा हैं तो अगर आपके घर तक पहुंचना हो ना तो हमारे लिए बहुत आसान है यार तो मत मजबूर करो ठीक है थोड़ा सा गुस्सा हमारा ट्रिगर हो जाता है यार हम बहुत कंट्रोल करते हैं आपके सामने हंसी मजाक करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैम का गुस्सा नहीं आता मैम को ट्रिगर कर गया तो एक मैंने पहले भी बोला था फिर से बोल रही हो एक दिन की छुट्टी लेनी है और आपके घर तक पहुंचने में सिर्फ एक दिन लगेगा और जो वर्ड्स यूज करते हो ना कमेंट सेक्शन में बेटा वही तोड़ी जाएगी तुम्हारी तुम्हारे घर आकर तो, शायद तुम्हारे पेरेंट्स की भी तो बुढ़ापे में उनकी हड्डियां ना टूटे इसलिए थोड़ी सी शर्म कर लिया करो बस मेरे सेशन में ठीक है चलिए आइए आंसर दीजिए इफ ही डिड नॉट नो वॉट टू डू मतलब पढ़ाई हो रही है यहाँ पे कोई इंसान यहाँ पर कितना हार्डवर्क करता है आपके लिए आपको इतनी भी मतलब दिमाग नहीं लगाते हो इतना भी हाँ? चलिए मतलब सोचे कभी मेरी फैमिली देख रही हो मेरा सेशन उल्टे सीधे कमेंट्स देखेंगे तो क्या सोचेगी मेरी फैमिली ऐसे से मेरी फैमिली मुझे मना कर देगी बेटा तुम तो मत पढ़ाओ ऐसे स्टूडेंट्स को मत पढ़ाओ मैं उनके अगेंस्ट हो जाऊंगी नहीं मैंने आप लोगों को बोला ना तुरंत तो मुझे बताया करो कोई कॉमेंट देखे तो मैं बिल्कुल एक कॉमेंट मुझे बर्दाश्त नहीं है ऐसा अपने सेशन, सेशन के अंदर ठीक है तुरंत मुझे आप लोग रिपोर्ट करोगे यहां पर चलिए आंसर दीजिए इफ ही डिड नॉट नो वॉट टू डू ही वुड हैव अगर उसको नहीं पता होता तो वो हमसे पूछ लेता ये बेसिकली है आपका टाइप थ्री ठीक है नहीं पता होता तो वो हमसे पूछ लेता इफ इफ ही ही हैड हैड नॉट नॉट नोन नोन ठीक है टाइप थ्री कंडीशनल है टाइप थ्री कंडीशनल के कंडीशनल पार्ट में हार्ड प्लस वी थ्री लगता है ठीक है चलिए अगला सवाल आपके पास ये रहा आंसर बताइए जरा लेट्स सी अभी रिसेंटली हुआ था जो मेरे स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे होंगे उनको पता होगा मेरी फेक आईडी बनी थी ना मन तो कर रहा है कि वीडियो वगैरह पोस्ट करूं जिसने भी बनाई है अब भगवान ही जाने उनके साथ क्या होगा ठीक है प्रे ही करते हैं कि उनकी और उनकी फैमिली का भला हो तो इस तरह की हरकतें करा करो तो कभी सोच लिया करो कि किसके साथ कर रहे हो शायद थोड़ा गलत पर्सन आपने चूज कर लिया है तो थोड़ा सा सोच समझ के यार है ना टीचर है टीचर आपको पढ़ा रहा है आपके लिए हार्डवर्क कर रहा है उसकी रेस्पेक्ट करो फॉर गॉड सेक ठीक है चलिए आंसर बताइए इफ शी विल गो टू द यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर वी विल हैव द हाउस टू आर सेल्स अगर वो अगले साल यूनिवर्सिटी जाती है तो पूरा घर हमारा आंसर क्या होना चाहिए कौन सा कंडीशनल है ये बताओ जरा कौन सा कंडीशनल है जल्दी से पहचानिए टाइप वन कंडीशनल है ये ये yes. अगर वो अगले साल यूनिवर्सिटी जाती है तो पूरा घर तो हमारा क्या हो जाएगा इफ शी गोज विल गो की जगह हो जाएगा इफ शी गोज टू द यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर वी विल हैव द हाउस टू आर सेल्फ ठीक यस yes. कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको टेलीग्राम में आपको बता दूंगी टेंशन मत लीजिए टाइमिंग्स टेलीग्राम पे बता दी जाएंगी, यहां पर भी बता दी जाएंगे ठीक है चलिए आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर दिस इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर दीजिएगा इसका बताओ जरा आई वुड लव टू बी एबल टू स्विम इफ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ वॉटर मुझे तैरना बहुत अच्छा लगता अगर मैं पानी से ना डरता तो जरा इसका आंसर बताइए अगर मुझे पानी से डर ना लगता तो मुझे तैरना बहुत पसंद होता बताइए जरा सर लेट्स वर ओके ओके आकाश मेरे पास कुछ ऐसी पावर्स होती कि मैं स्टूडेंट्स को सुधार पाती टीचर्स पे कमेंट्स करने से अच्छा है यार पढ़ाई किया करो वैसे बहुत रेयरली मेरे साथ होता है मैम बाल बांध लीजिए आपको पता है रीजन मेरे बाल खुले होने का नहीं पता है पहली बार क्योंकि सेशन में आए हो है ना बेटा आई वर्कआउट मैं जिम जाती हूँ आई वर्क आउट एंड आई वर्क आउट अलॉट तो स्वेट से बाल गीले होते हैं इस वजह से आई कीप देम लूज आई कीप देम ओपन ठीक है चलिए पढ़ लीजिए चाचा जी आ जाओ आई आई वुड लव टू बी एबल टू स्विम अगर मैं मुझे पानी से डर नहीं लगता तो मुझे स्विम करना बहुत पसंद होता क्या हो जाएगा हाइपोथेटिकल केस है ना ये हाइपोथेटिकल केस है एक्जैक्टली एग्जैक्टली आई वुड लव टू स्विम इफ आई वर नॉट इफ आई व आई वर नॉट बी अफ्रेड ऑफ वॉटर इफ आई वर नॉट बी अफ्रेड ऑफ वॉटर समझ में आया ठीक है वैसे यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है If I were not afraid of water. Hypothetical case है, टाइप टू कंडीशनल ठीक है चलिए चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा आंसर बताइए जरा इसका जल्दी से आई टोल्ड गुड बाई टू डी पेश बट ही इग्नोर्ड मी कंप्लीटली कौन देगा इसका आंसर इफ सेंटेंस में नहीं आता है सेंटेंस में नहीं आता है तो किसमें आता है कंडीशनल सेंटेंस की क्लास होगी डोंट वरी मैं आपको टॉपिक वाइज वाली क्लास में कंडीशन पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी चारों कंडीशनल ठीक चलो राइट राइट सो आई टोल्ड गुड बाय टू दी पेश क्या होना चाहिए टोल्ड गुड बाय टू दी पेश इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है किसी को जल्दी से बताइए एग्जैक्टली यू से गुड बाय टू समबडी

फिर मन ही नहीं करता पढ़ाने का इसे ऐसा लग रहा है मेरा मन हट गया है पढ़ाने से चलिए दीजिए आंसर आई हैड स्ट्रेंज इंट्रूजन दैट शी विल स्टील द सूट केस आंसर क्या हो जाएगा तो इतनी गंदगी इस दुनिया में आई कैसे है यार चलिए बताइए वुड हैव ओके ओके

कि आप लोग इंटरेस्टेड हो सेशन में क्योंकि लिटरली ऑनेस्टली बिल्कुल फ्रेंकली आपको बता रही हो मेरा मन थोड़ा सा हट गया है सेशन से तो थोड़ा सा आपको एनर्जेटिक होना पड़ेगा यार है ना क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ही हैं जो मुझे यहाँ पर बांध के रखते हैं जो आप ही लोग हो जो मुझे मोटिवेटेड रखते हो कि बारह बज रहे हैं रात के बारह बजे तक मैं सेशन लेती हूँ यार तो थोड़ा सा मोटिवेटेड आप लोग को रखना पड़ेगा अपने एंड से अपनी एनर्जी और अपना इंटरेस्ट शो करके दैट इज इट ठीक है चलिए आंसर बताइए वी हैव ऑलरेडी सीन द मूवी सो वी रिफ्यूज एंड टू द स्टेडियम इन स्टेड क्या लग रहा है आंसर हैड अच्छा चलिए हैड होना चाहिए यहां पे मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं लेट्स सी

टॉपिक वाइज क्लास होती है आपकी तीन बजे से रूल्स वाली क्लास होती है एक बजे से ठीक है दीजिए आंसर जल्दी जल्दी इज होना चाहिए ओके 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 चलिए नाउ द टाइम वॉज टू स्केप हनी ओपन द विंडो एंड जम्प आउट इज होना चाहिए अच्छा सो ही नो एरर चलिए एक छोटा सा रूल है जो आप लोग सारे के सारे भूल गए हो सब भूल गए हो ये वाला रूल चलिए मैं आपको बताती हूं तो रूल क्या होता है कि जब भी किसी स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में आता है एडवर्ब थोड़ा सा मैंने याद दिला दिया है अब तो आंसर बता दो जब किसी स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में आता है एडवर्ब तो क्या होता है जल्दी से बताइए तो क्या होता है स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में एडवर्ब आता है तो क्या होता है क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए जल्दी नाउ वॉज द टाइम एग्जैक्टली तुरंत मतलब एडवर्ब के हमको तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है इन्वर्जन चाहिए होता है तो हम क्या लगाएंगे नाउ वॉज द टाइम दैट्स इट नाउ वॉज द टाइम आई बात समझ में याद आया रूल जब भी किसी स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में एक एडवर्ब है तो स्टेटमेंट के एडवर्ब के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए मतलब इनवर्जन चाहिए ठीक एग्जैक्टली exactly. था मजेदार क्वेश्चन सारे क्वेश्चन का रिविजन तभी तो ये मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है बॉस सारे क्वेश्चन का रिविजन सारे कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करता है ये ठीक चलिए अगला सवाल और आपको लेकिन इतना जरूर पता चल गया ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप नहीं करता ये आपको यह ये भी बताता है कि चलो आप कहाँ हो और आसपास के लोग कितने पानी में हैं यह भी आपको बताता है तो कोई भी तैयार नहीं था उस क्वेश्चन के लिए यह भी आपको पता चला होगा ठीक चलिए क्वेश्चन बताइए जरा इसका जल्दी जल्दी से लेट सी म्यूचुअल फ्रेंड एंड कॉमन फ्रेंड आर सेम आंसर बताइए चलो आंसर बताओ फटाफट फ़ड़ से एवरी वन इंजर्ड हुडेंट टेकन बड़ी घोर घन घोर समस्या यहां पर चल रही है कि सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा देखते हैं सिंगुलर वाले जीतते हैं या प्लूरल वाले जीतते हैं एक टीम है प्लूरल की तरफ और एक टीम है सिंगुलर की तरफ लिखा हुआ है एवरी वन सुन लेना ध्यान से ईच एवरी एनी एवरी वन एनी वन और क्या होता है आइदर होता है नाइदर होता है इन सबके साथ लगने वाली जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर रहेगी सो एवरी वन हु वॉज इंजोर्ड इन द एक्सीडेंट वॉज टेकन वॉज टेकन टू दॉस्पिटल आई बात समझ में वॉज टेकन टू दॉस्पिटल एम आई क्लियर पीपल ठीक चले आगे चलो भाई वेरी गुड शाबाश लेट्स कम टू दैक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके सामने आंसर दीजिए जरा इसका द विंड डैश सो पावरफुली दैट द डोर क्लोज्ड देखें भाई कौन देता है इसका आंसर जल्दी से कम एवरी वन फास्ट कौन किस पे ब्लेम लगा रहा है भाई ब्लू होना चाहिए अच्छा द विंड डैश सो पावरफुली अब देखो पहली बात विंड क्या है यार विंड पहली बात तो अनकाउंटेबल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब तो नहीं लगेगा ठीक सिंगुलर प्लूरल का बेसिकली कॉन्सेप्ट होगा नहीं अब ब्लू का मतलब है नीला कलर ब्लू का मतलब है नीला कलर तो ये तो होगा नहीं और ब्लूज भी समझ लीजिए एक तरीके से नेगेटिविटी शो करता है ब्लूज़, विंड ब्लूज का कोई सेंस नहीं बनेगा ब्लू है बेसिकली पास टेंस में सो द विंड द विंड ब्लू एग्जैक्टली ठीक है राइट right. चलिए अगला सवाल ब्लो का पास टेंस होता है ब्लू ब्लो का मतलब बह रही है हवा है ना अगला सवाल बताइए द द फील्ड फील्ड भाई सेशन को लाइक कर दो अब तक 500 नहीं कर पाए हो यार हो कम से कम आप लोग 800 से भी ज्यादा और नंबर ऑफ लाइक आर नॉट इवन 500 आंसर दीजिए जल्दी जल्दी सभी लोग चलिए अब देखिएगा जरा ध्यान से इन बोल रहे हैं लोग चलिए देखो जरा ग्रेजिंग इन द फील्ड फ्रॉम द फील्ड इन द फील्ड विद द फील्ड नहीं दे दिया है पे इन द फील्ड बिल्कुल सही है फील्ड के अंदर कर रहे हैं ना ठीक फील्ड के अंदर चल रहा है बिल्कुल सही है विद द फील्ड बोल देना यार चलिए अगला सवाल आपके सामने आंसर बताओ कि फील्ड के साथ भेड़ चल रहे हैं उधर फील्ड चल रहा है इधर भेड़ चल रहे हैं ऐसा तो नहीं लग रहा था भाई एक था विधवा विधवाला अरे भाई पेन ना गिरो यार चलिए आंसर बताइए जल्दी जल्दी से देर वर डैश हंड्रेड पीपल एट द लेक्चर लेट्स सी ओवर ऑल राइट ऑल राइट बिसाइड फ्रॉम ओवर विद ओवर का मतलब क्या होता है लगभग लगभग उससे ज्यादा भी हो सकते हैं है ना लगभग इतने थे ज्यादा भी हो सकते हैं तो ओवर हम इस्तेमाल करते हैं सो ओवर पीपल द लेक्चर ठीक चलिए वेरी गुड अगला सवाल आपके पास आंसर बताइए जरा इफ यू हैव कंसल्टेड मी आई वुड हैव डैश यू देखें जरा कौन देता है इसका सही जवाब जल्दी से वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है दैट्स द रूल तो आंसर क्या होना चाहिए इफ यू हैड कंसल्टेड मी आई वुड हैव एडवाइज्ड यू ठीक चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आंसर बताना फटाफट फड़ से लेट्स सी अ ड्रॉप ऑफ टीयर ट्रिकल डैश हर चीक क्या होगा इसका सही जवाब देखे हैं किसी के आंखों से आंसू बहते हुए जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा किसी के आंखों से आंसू बहते हुए डेफिनेटली देखे होंगे आपने है ना किस तरीके से बहते हैं ऐसे वो चीख पे नीचे की तरफ जाते हैं क्या होता है चीख पे वो नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाएगा द ड्रॉप ऑफ टीय टीय ट्रिकल डाउन द चीक नीचे की तरफ जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री अमंग विद और फॉर नहीं लगेगा ओवर कौन बता रहा है कहां से ओवर आंसर आ रहा है यहां पे डाउन द चीक होना चाहिए नीचे आंसू बहता है चलो अगला सवाल आपके पास बताइए अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू, यू आई नो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है थैंक यू आंसर बताइए आई डाश रिटर्न टू हर बट आई डेंट गेट टाइम कौन देगा इसका आंसर आई नो आई नो आई नो बहुत अच्छी ड्रॉइंग है मेरी तारीफ के लिए शुक्रिया नजर मत लगाइए मेरी क्रिएटिविटी पे ज्यादा तारीफ करोगे तो यार नजर लग जाएगी नजर नहीं लगाया करो चलिए आंसर बताइए शुड हैव यस अब इसको आप सेंस समझिएगा आज क्लास 12 बजे तक नहीं होगी आज सैटरडे संडे नहीं है सैटरडे संडे 12 बजे तक होती है मुझे उसे लिखना चाहिए था लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला करना चाहिए था शुड वी थ्री ठीक शुड हैव वी थ्री करना चाहिए था तो क्या हो जाएगा शुड हैव रिटन ऑप्शन नंबर थ्री आई बात समझ में आई शुड हैव रिटन दिल्ली पुलिस के लिए आप क्लास ले सकते हो ठीक चलो अगला सवाल आपके पास आंसर बताइए साम है वन दिस इलेक्शन डैश बताओ जरा वो आदमी था गोवा के गोवा के एक पुराने किसी गांव का उसका चेहरा मैंने बनाया था दरअसल लगेगा? आई यू श्योर कह रहे हो तो मान लेते हैं क्वेश्चन टाक के यार देखो सबसे मोटे मोटे दो रूल्स होते हैं स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टाक नेगेटिव और क्वेश्चन नेगेटिव है स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टाक पॉजिटिव तो यहां पे क्या हो जाएगा सैम हेजेंट वन लिखा हुआ है hasn't one लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए आंसर आंसर होना चाहिए हैज ही ऑप्शन नंबर वन डन वेरी गुड अगला सवाल आपके सामने ये रहा आंसर दीजिए फटाफट से सभी लोग बताइए बाय ऑफ फ्रॉम बस यही स्पीड मुझे चाहिए है आप लोगों से सो ही वॉज टोटली इग्नोरेंट डिज प्रोग्रेस बताओ जरा आंसर इग्नोरेंट के बाद कह रहे हैं ऑफ कह रहे हैं फ्रॉम कह रहे हैं इग्नोरेंट ऑफ समथिंग इग्नोरेंट ऑफ समथिंग इग्नोरेंट का मतलब इंसान बंदे को कोई खबर नहीं है कुछ पता नहीं है ठीक है A few students are ignorant of my class timings. A few students are ignorant of the importance of my classes. उनको पता ही नहीं कि कितनी इंपॉर्टेंट है मेरी क्लासेस की इंपॉर्टेंस क्या है आंसर क्या हो जाएगा ही वॉज टोटली इग्नोरेंट ही वॉज टोटली इग्नोरेंट ऑफ ऑप्शन नंबर फोर ठीक चले आगे अगला सवाल आपके सामने है आंसर बता दो सो अब असली सवाल आया है देखते हैं कौन दे पाता है इसका आंसर जल्दी से बताना पी क्यू आर एस आप सीजीएल दो सी एच एस एल दो आप स्टेनोग्राफर दो सीपीओ दो आना ही आना है पी क्यू आर एस वेरी गुड वेरी गुड आ जाओ आधे देखो भाग गए तो पी क्यू आर एस पता है आपके पास एक टिकट है आपके सिलेक्शन का याद रखना पी क्यू आर एस ही सिलेक्शन है और क्लोज टेस्ट आधे लोग क्लोज टेस्ट को देखकर गायब होते हैं गायब होते हैं तो अपने को चमका लो बिल्कुल पी क्यू आर एस में ठीक है आ जाओ जरा अब यहाँ पे सबसे पहली चीज हमको ढूंढी है कि पहला स्टेटमेंट बॉस कौन सा है ए बी सी डी चारो पहला स्टेटमेंट हो सकते हैं हमने आपको एक चीज बताई थी ना कि जहां पर नाम लिखा होता है अक्सर पहला स्टेटमेंट वही होता है जरा एक गौर करिएगा यहां पर नाम लिखा है ठीक लेकिन प्रोनाउन भी तो लिखा है ही कौन है His wealth. Adani's wealth. Adani की बात हो रही है ओके बीटिंग इज जेफॉज सी पहला स्टेटमेंट है सी ने पूरे स्टेटमेंट की थीम दे दी थी। पूरे पैसेज की थीम बता दी है सी ने ध्यान तो दो बी वाले लोगों बी वाले लोगों जरा सी तो पढ़ लो सी ने पूरे स्टेटमेंट की पूरे पैसेज की थीम बता दी है कि इसकी थीम क्या है आपस में जो अमीर लोग हैं दुनिया के उनके बीच में कंपैरिजन चल रहा है गौतम अडानी ने बड़े बड़े धुरंधरों को पछाड़ दिया है ठीक है मतलब एक चीज पकड़ ली और बह गए भेड़ चाल ना दूसरी चीजें भी चेक किया करो कई बार मैं भी गलत होती हूं मैं आपके सामने एकदम आपकी तरह सॉल्व करती हूँ गलत हुई हूं मैं भी ना तो इसलिए हमेशा क्रॉस जरूर करा करो ठीक है सी यहां पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए डी बी ऑप्शन नंबर फोर ठीक चलो अगला सवाल आपके पास इसका आंसर बताइए कोई टेंशन नहीं है गलत हो गया इसमें कोशिश करिए दिख रहा है ना ये आपको दिख तो रहा है ना ये वाला कि हटाना पड़ेगा यार चलिए बीसीडीए बता रहे हैं लोग देखते हैं जरा पहला तो बी है ठीक ऑप्शन देखकर पता चला पहला बी है लेकिन बी के बाद क्या आना चाहिए अन्यू बैंकिंग A new mobile banking Trojan virus, SOVA, which can steadily encrypt an Android phone for ransom and is hard to uninstall, or targeting Indian customers, the country's Federal Cyber Security Agency said in its latest advisory. The virus, Trojan, the virus, the first version, no, it has been reported to CERT and it has been. ट्रोजन के लिए यूज नहीं हुआ है तो बीसी यहां पर मैंडेटरी पेयर है इन दोनों को हटा दीजिए अब बीसी के बाद डी आएगा या फिर ए आएगा मैच करते हैं वायरस हैज अपग्रेडेड टू इट्स फिफ्थ वर्जन आफ्टर इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडियन साइबर स्पेस इन जुलाई इट सेड इट हैज बीन रिपोर्टेड डी आ सकता है द फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस मैलवेयर अपीयरड अच्छा अब यहां पे रिपोर्ट कुछ कह रही है रिपोर्ट कुछ कह रही है और इसी के कॉन्टिन्यूएशन में ये बात चल रही है देखो सी डी एक दूसरे के कंटिन्यूएशन में अभी रिपोर्ट चल रही है ठीक है इसलिए सी के बाद क्या आना चाहिए डी आना चाहिए देखिए जरा ध्यान से सी ए सी कहां से ला रहे हो पहले बी और उसके बाद आना चाहिए सी के बाद डी बी सी डी ए इज एप्सोल्यूटली राइट ऑप्शन नंबर फोर ठीक बी सी डी ए अगला सवाल आपके सामने ये रहा बताइए जरा लेट्स सी जल्दी से कोशिश करिए बीडीसीए एके ओके आ जाइए पहले ढूंढते हैं कि पहला स्टेटमेंट कौन सा है एबीसी तीनों पहला स्टेटमेंट हो सकते हैं ठीक है थेके? तो इन अ बूस्ट टू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया वेदांता विल सेटअप ये पहला स्टेटमेंट जैसा लग रहा है द रेस टू मैन्युफैक्चर एप्पल आईफोन इज हीटिंग टाटा ग्रुप इन टॉक्स विद टाइवीज इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट वेस्टर्न

पढ़ते हैं इन अ बूस्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया वेदांता विल सेट अप अ हब टू मैन्युफैक्चर एप्पल एपल आईफोन्स एंड अदर टेलीविजन इक्विपमेंट इन महाराष्ट्र एंड इंटरव्यू गिवन बाय चेयरमैन अनिल अग्रवाल द माइनिंग जायंट इज एक्सपेक्टेड और वेदांता को ही बोला गया है द माइनिंग जायंट तो एडी का पेयर तो या बॉस सीधा सीधा बन गया बी वाला हटा दीजिए ठीक है एडी का पेयर बन गया है सीधा सीधा अब एडी के बाद क्या आना चाहिए अब हमको यह देखना है द माइनिंग जायंट इज एक्सपेक्टेड टू एंटर द इलेक्ट्रिक वेहीकल स्पेस एज वेल एज वेल अग्रवाल सेड ठीक अब इसके बाद सी कह रहा है द मूव इज लाइकली टू मेक इंडिया हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एज ए ट्राइक् ट्राइज टू मीन वीन अवे ग्लोबल बिगीज फ्रॉम चाइना लेकिन लेकिन क्या सी के बाद पहले बी आएगा कि पहले सी क्या सी के बाद बी मैच कर रहा है मैन्युफैक्चर आईफोन चलो ये तो मूव कहा गया है लेकिन यहां पे आईफोन कौन इंडिया में बनाएगा वो रेस की तो पहले डिस्कशन खत्म होगा पहले इस रेस का डिस्कशन खत्म होगा उसके बाद बात होगी कि इंडिया में आईफोन बनाने का जो मूव है वो काबिले तारीफ है मिला इसलिए पहले डी के बाद क्या आना चाहिए पहले बी आना चाहिए और उसके बाद सी आएगा क्योंकि ये एक तरीके से कंक्लूड कर रहा है पैसेज को ठीक है सो ए डी बी सी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक चलिए चलिए और इसके बाद वाला सवाल का स्क्रीनशॉट लेना क्योंकि वो आज का असाइनमेंट है खत्म नहीं कर रही हूं ठीक है ये है आपके आज का असाइनमेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे सेशन खत्म नहीं हो रहा है बस आपको असाइनमेंट पहले दे रही हूं क्योंकि लाइन से हमने तीन पी क्यू आर एस कर लिए हैं ठीक है ठेके? ये असाइनमेंट है इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए सारे फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगी राइट right? चलिए अगला सवाल आपके सामने आने वाला है चलो मैं आंसर नहीं दिखाऊंगी आपको ये रहा अगला सवाल चलो जरा बताना आई एम पेइंग फॉर योर हेल्थ केयर आई वॉन्ट यू टू लिव ऑन अ हेल्दी अनाव देखें जरा कौन आंसर देता है लेट सी वर वॉज अच्छा टू लिव इन होना चाहिए ठीक है कह रहे हैं टू लिव इन शुड बी द राइट आंसर आई एम पे योर हेल्थ केयर आई वॉन्ट यू टू लिव इन हेल्थी मैनर अगर मैं तुम्हारे हेल्थ केयर के लिए पे कर रहा हूँ ना तो मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा हेल्थी तरीके से जियो इन अल्दी मैनर इज एप्सोल्यूटली फाइन क्या हो जाएगा टू लिव इन अल्दी मैनर गेसिकली इन अ मैनर दिस इज द फ्रेज इन अ हेल्दी manner होना चाहिए तो हमको बेसिकली लाइफ में चाहिए था और टू टी डबल ओ टू वाला तो आएगा नहीं क्योंकि एक्सटेंट बताता है किसी चीज की ठीक चले आगे अगला सवाल है आपके पास आंसर बताइए जल्दी से सब लोग लग रहा है आधे सो गए पीक्यूआरएस देखकर तो बेटा डरपोकों का सिलेक्शन अक्सर हुआ नहीं करता ठीक है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखकर जब भागते हो ना चलिए हमारा काम है आपको हर तरह के क्वेश्चन कराना बाकी कितने डरपोक आप हो और कितने डरपोक नहीं हो इट्स ऑन यू ठीक है बिल्कुल से स्ट्रोंग होकर फेस किया करो क्वेश्चंस को सवालों को चलिए कोरोना वायरस हैज नॉट येट रीच समर्ड क्या होना चाहिए सम पार्ट्स ऑफ दर्ल्ड अभी दुनिया के कुछ पार्ट्स में कोविड नहीं पहुंचा है सो कोरोना वायरस हैज नॉट येट सम सम पार्ट्स पार्ट्स ऑफ ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड सेम है क्या पार्ट अच्छा लिखा है सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड सम के बाद प्लूरल लगता है सो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ठीक है सम के बाद हमेशा प्लूरल लगता है नाउन ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप आंसर बताइए फटाफट से जल्दी जल्दी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका ग्रामर का इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जल्दी से बताओ सारे बिल्कुल फटाफट से द जर्नी विथ ट्रेन इज लॉन्ग एंड आडुअर्स द जर्नी विथ ट्रेन इज लॉन्ग एंड आडुअर्स देयर फोर आई एम गोइंग बाई कार तो मैंने आपको पहले भी बताया था फिर से सुन लीजिए जितने भी लोग नए हैं जब हम किसी जर्नी की बात करते हैं और कोई कोई ट्रांसपोर्टेशन या फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं तो हमेशा हम लिखते हैं बाय और वो ट्रांसपोर्टेशन या फिर वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय के बाद सीधे नेम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखा जाता है तो बाय कार बाय बस बाय ट्रेन बाय एयर बाय प्लेन बाय रोड एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक है तो द जर्नी बाय ट्रेन चाहिए विद ट्रेन की जगह द जर्नी बाय ट्रेन ठीक डन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप बताइएगा इसका फटाफट फट्ट से सारे लोग arduous का मतलब बहुत थकाऊ कोई ऐसी चीज जिसमें आपका बहुत मेहनत लग रही है टायरिंग थकाऊ arduous. ठीक है चलो बताओ अपॉलोजाइज टू होना चाहिए क्या लगता है अपॉलोजाइज के साथ जरा बताना जल्दी जल्दी से क्या यूज होता है अपॉलजाइस के साथ बिल्कुल फास्ट फास्ट से बता दीजिए ओके, ओके, राइट सो द स्टूडेंट अपॉलोजाइज द टीचर फॉर द डिले इन सबमिटिंग असाइनमेंट आपका जो रूल कहता है अपॉलजाइज के साथ हमेशा लगता है टू अपॉलजाइज टू समबडी, ठीक है अपॉलजाइज टू समबडी होता है आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू यहां पर Clearly. ठीक राइट अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुछ लोग पीछे वाले क्वेश्चन में ही अटके रह जाते हैं अपना बीच बीच में पेज को यार रिफ्रेश कर लिया करिए ठीक है पेज रिफ्रेश कर लिया करो द टीवी चैनल हैज लार्ज व्यूअरशिप फ्रॉम अनदर चैनल देखूं जरा

अगला क्वेश्चन आपके सामने है आंसर बता दो फटाफट से द ओल्ड लेडी नीडेड लव एंड केयर बियॉन्ड मनी देखे कौन देता है इसका सही जवाब जल्दी जल्दी से बताइए सभी लोग लेट्स सी कमॉन ए बी जल्दी जल्दी से ओल्ड लेडी नीडेड लव एंड केयर बियॉन्ड मनी यस बिल्कुल सही है बियॉन्ड मनी नहीं बियॉन्ड का मतलब क्या होता है उस चीज के पार है ना उस चीज के पार बियॉन्ड ठीक है तो बियॉन्ड मनी का कोई सेंस यहाँ पे बन नहीं रहा है सेंस बन रहा है मनी के अलावा उसको प्यार और केयर भी चाहिए था ठीक है मनी के अलावा सो बिसाइड्स बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू समथिंग इन एडिशन टू यानी कि प्यार मनी के साथ साथ मनी के अलावा उसको प्यार और केयर भी चाहिए थी ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा जरा फटाफट से आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव इन जंक फूड ग्रामर के लिए आप मेरी दिन वाली क्लासेस में आ सकते हो माई ब्लेसिंग आयुषी बेस्ट टू एवरीवन जिनके भी एग्जाम्स हैं ठीक है मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ है चलो गिव अप होना चाहिए अच्छा जंक फूड हम में से हर कोई इंसान सोचता ना कि बस बैठ के चीज बर्स्ट पिज्जा खा रहे हैं और सोच रहे हैं बस ये मेरा लास्ट है भाई आज बहुत हो गया आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा चाहे जो हो जाए कहीं डीप डाउन पता है कि अगले हफ्ते ही बैठ के फिर से चल रहे होंगे मिस्टर चीज बर्स्ट पिज्जा लेकिन क्या सोचते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा मैं कसम खाता हूं मैं अपने अः अपने पेट की कसम खा रहा हूं मैं इसकी कसम खा रहा हूं मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा होता है ना तो बस वही है त्यागने की बात यहां पर हो रही है किसी चीज को गिव अप करना किसी चीज को त्यागना त्यागने के लिए अगला सवाल हमारे साथ भी होता है हम कम नहीं है हमारे साथ भी ऐसे ही होता है बिल्कुल चलिए अगला सवाल है आपके पास ये रहा बैठ के सोचते हैं पूरा हफ्ते खूब जिम खूब वर्कआउट करते हैं सैटरडे संडे बैठ कर जंक फूड चल रहे होते सोच रहे होते यार सारा वर्कआउट तो पानी में गया यार थोड़ा कम खा लेते यार थोड़ा ना खाते बैठ के संडे की रात में सोचते हैं यार काश नहीं खाया होता यार चलिए खैर यार लाइफ एक ही है सब करना चाहिए है ना चलिए आंसर बताइए इसका जल्दी से लेट्स सी कमॉन एवरीबॉडी from all her birthday presents vanya liked the alphabetical mat the most vanya liked the alphabetical mat the most kya hona chahiye amongst लोगों का कहना है और amongst और लोगों का कहना बिल्कुल सही है बर्थडे प्रेजेंट्स कहां लिखा है कि सिर्फ दो बर्थडे प्रेजेंट्स थे नहीं लिखा है ना तो बिटवीन तो हो ही नहीं सकता सारे बर्थडे प्रेजेंस में से मतलब उन सब में से एक सेलेक्ट करना है तो अमक चूज होगा कोई शक नहीं है ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर ठीक चलिए अगला सवाल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप आंसर बताइएगा ऑल ऑफ दिस कॉलेज आर रेडी टू डैश फॉर देयर राइट्स all the academic staff members of this college are ready to dash their rights फटाफट फड़ से आंसर बताइए स्टैंड अप चलो आपका अगर क्लियर नहीं दिख रहा है ना तो आपका इंटरनेट क्लियर इंटरनेट आपका स्लो है प्लीज मेक श्योर कि आप इंटरनेट को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ कर लो है ना चलिए भाई फिर आंसर बताएंगे हम आपको देखना जरा ध्यान से ऑल द अकेडमिक स्टाफ मेंबर्स ऑफ दिस कॉलेज आर रेडी टू स्टैंड अप स्टैंड अप का मतलब क्या होता है किसी चीज के अगेंस्ट खड़े होना आवाज उठाना इसको स्टैंड अप कहते हैं किसी चीज के लिए खड़े होना आवाज उठाना सो यस ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल आपके पास ये रहा इसका आंसर बताना जरा क्वेश्चन कहता है कि फादर वांटेड अ वेल्दियर एंड मोर टिंगेस्ट मैच फॉर द एलडेस्ट डॉटर देखते हैं कौन इसका आंसर हमें दे पाता है Let's see. जल्दी जल्दी इसे आंसर बताइए वेल्थियस्ट होना चाहिए अच्छा और होना चाहिए अच्छा और तो जितने लोग यहाँ पर वेल्दीएस्ट सोच रहे हैं यार एक बात बताओ अडानी तो शायद मैरिड है अडानी तो मैरिड है तो अडानी से थोड़ी मैं शादी कर देंगे कहां से वेल्दीएस्ट लगा रहे हो बेटा यहां पे, हाँ अडानी मैरिड है भैया नहीं कर सकते पापा अडानी से शादी वेल्दीएस्ट नहीं हो सकता तो सबसे अमीर पे पहुंचे जा रहे हो यार थोड़ा कंट्रोल रखो सब्र कर लो सब्र वेल्दियस्ट पे कूदे जा रहे हैं बिल्कुल सही है यहाँ पे कंपैरेटिव देखो दोनों कंपैरेटिव है ना बिल्कुल सही है कुछ लोग कह रहे हैं नो इम्प्रूवमेंट बेटा हमको एक बात बताइए क्या पढ़ते हो डिटैंग डिस्टांग कौन कौन पढ़ता है यहाँ पे जरा ये भी बता दीजिए कौन कौन डिस्टेंग्विश वाला है ना तो क्यों डिस्टैंग हजम हो गया आपको हा जब डिस्टैंग पढ़ते नहीं हो तो कहां से पेट के अंदर गले के अंदर बात चली गई है कमाल करते हो यार डिस्टिंग्विश बचपन से पढ़ते आ रहे हो डिस्टिंग डिस्टिंग बस इतनी सी गलती है इसमें distinguish नहीं होता है ऑप्शन नंबर फोर अगला सवाल आपके पास ये रहा आंसर बताओ जरा When you have worked out this sum you may went out to play क्या हो जाएगा आंसर एल्डेस डॉटर बिल्कुल सही है सबसे बड़ी बेटी की बात हो रही है ना तो एल्डेस सही है क्या प्रॉब्लम है उसमें कुछ भी चेंज हो सकता है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब आपके लिए मॉक्स बनाए जाते हैं ना अभिषेक तो मॉक्स प्रॉपर एनालिसिस करके बनाए जाते हैं हमेशा ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो ये मॉक है हमेशा आपकी जो गलतियां वगैरह होती हैं प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हमेशा प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही मॉक को फ्रेम करते हैं कि कैसी कैसी गलतियां किस लेवल की गलतियां आपका एग्जाम देता है एग्जैक्टली वही आपको दी जाती है ठीक है सो रेस्ट इज सुरेश अगर ऐसी गलती आ रही है तो एग्जाम में भी देखने को मिलेंगी चलिए बताइए मे गो सी मनोज हम देख लेंगे फिर से ठीक है चलो सो वेन यू हैव वर्कड आउट दिस सम यू मे वेंट आउट टू प्ले मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है क्योंकि मे एक मुडाल वर्ब है ये क्या है मुडाल है और डाल वर्ब्स के साथ हमेशा लगती है क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहां पे गो आउट हो जाएगा इट गो आउट विल बी यूज ठीक चलो अगला सवाल आपके पास ये रहा आंसर बताइए फटाफट से जल्दी जल्दी से कम एवरी बारी रूल्स के लिए एक बजे वाली क्लास में आना है याद रखिएगा ठीक है chalo Okay 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 चलो ऑल राइट अब देखना गोइंग टू द वीकली मार्केट ऑन एवरी हां जी ट्यूसडे तो डे है और डे के साथ हमेशा हम ऑन लगाते हैं केस ऑफ फिक्स्ड प्रपोजिशन हमेशा ऑन लगाओगे सो गोइंग आउट गोइंग टू द वीकली मार्केट ऑन एवरी ट्यूसडे ठीक हां जी अगला सवाल देखना और आंसर बताना हमें क्या हो जाएगा यहां पे

इतना आसान सवाल है ये चलो नहीं पता हमको इस वर्ड का क्या मतलब है लेकिन अगर ऐसा बिहेव करोगे ना तो आपको लोग चाइल्डिश समझेंगे चलो चाइल्डिश का मतलब तो जानते हो चाइल्डिश का उल्टा क्या होता है मिच्योर दैट्स द राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन मिच्योर इज द राइट आंसर कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई पीड़ा कोई परेशानी कोई चिंता कोई दुख इस क्वेश्चन में किसी को चले आगे चलिए अगला सवाल आपके सामने बताओ बरा आंसर जल्दी जल्दी से Okay, okay. चलो अब देखना जरा यहां पे कह रहा है अगर मैं तुम होता ना तो मैं इस सिचुएशन में अपना टेंपर नहीं खोता अपना आपा नहीं खोता अगर मैं तुम होता तो मैं इस सिचुएशन में अपना आपा नहीं खोता ये हाइपोथेटिकल केस है क्या मैं तुम बन सकता हूं बन सकती हूँ नहीं ना मैं कभी आप नहीं बन सकती लेकिन कह सकती हूँ अगर मैं आप होती तो मैं ऐसे करती तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है अनरियल सिचुएशन है तो यहाँ पे वर होगा अनरियल सिचुएशन में हम अक्सर वर को यूज करते हैं इफ आई वर यू ठीक है कमल एक छोटी सी बात कहें देखिए बुरा मत मानिएगा लेकिन इतनी देर में आपने जितनी बार दिल्ली पुलिस मैराथन कमेंट किया है ना बिल्कुल इसको फ्रांकली मैं बता रही हूं आपको उतनी देर में अगर आपने इनके आंसर्स बताए होते ना यार तो बहुत फायदा होता आपको दिल्ली पुलिस का सिलेबस कुछ अलग नहीं है ठीक है तो प्लीज यार ये टाइम बहुत क्रूशियल है बहुत प्रीशियस है इसको मत करो वेस्ट जिस तरीके से आप लोग वेस्ट करते हो मुझे कभी कभी चिंता होती है मत करो टाइम वेस्ट जरूरी नहीं है कि किसी सेशन पे टैग लगा हो दिल्ली पुलिस की मैराथन तभी आप उसमें जाओ सिलेबस सेम है लगभग क्यों नहीं ये चीज को आपको समझ में आती है ये चीज कितने बड़े हो गए हो समझो इस चीज को टाइम बहुत कम है बहुत प्रेशियस है सितंबर आ गया सितंबर निकल गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीन महीने में 2023 है नहीं होती टेंशन सोच के कि पढ़ लो गाइस लिटरली तीन महीने में 2023 है अब आपके ऊपर है कि आप इन तीन महीनों को वेस्ट कर रहे हो इन तीन महीनों को यूटिलाइज कर रहे हो इन तीन महीनों में मूवीज देख रहे हो या इन तीन महीनों में अपनी जान झोंक के पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि ये तीन महीने आपका डिसाइड करने वाले हैं कि 2023 की शुरुआत कैसे होगी 2023 में जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें आप कैसा परफॉर्म करोगे ये तीन महीने डिसाइड करेंगे सो गाइज इट्स डू और डाई सिचुएशन तीन महीने अब आपके ऊपर है दो को वेस्ट करना है या फिर सबसे प्रोडक्टिव बनाना है चलिए बताइए आंसर फटाफट से सी अच्छा आंसर आना शुरू हो गए सबसे पहली चीज तो यार चलो दो वर्ड्स हमारे पास होते हैं एक वर्ड होता है स्टेशनरी और एक ये वाला स्टेशनरी होता है डिफरेंस सिर्फ देखो इनके बीच में किसका है सिर्फ और सिर्फ इसमें ई लगा है इसमें ए लगा है इसका मतलब होता है पेन pen, पेंसिल्स और जो ऑफिस वाला सामान होता है स्केल रबर इन सबको स्टेशनरी का सामान बोलते हैं ये वाली स्टेशनरी है पेन पेंसिल एक्सेट्रा और ये स्टेशनरी का मतलब होता है स्टैटिक रुका हुआ एक जगह पे ठीक है तो यहां पे पढ़ो अब यू कैन फाइंड रिबन एंड बॉबल्स एट लार्जस्ट स्टेशनरी स्टोर स्टेशनरी स्टोर पेन पेंसिल वाले स्टोर पे बिल्कुल सही है स्टेशनरी ट्रक खड़ी हुई ट्रक पे ब्लू कलर की बलेनो टकरा गई तो क्या हो जाएगा स्टेशनरी ए वाला स्टेशनरी है ये फॉर स्टेशनरी पॉपुलेशन रुकी हुई पॉपुलेशन ए वाला स्टेशनरी नीचे पढ़िए रुकी हुई ए वाला स्टेशनरी ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर ठीक है विभूति बहुत पढ़ती हूं और एक दिन में इतना सारा पढ़ाती हूं देखो तो तभी तो याद है सारी चीजें सिर्फ पढ़ाई कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी मैजिक होती है कंसिस्टेंसी इज मैजिक जितना कंसिस्टेंट रहोगे पता है कंसिस्टेंसी मैजिक है और उसके साथ ही कंसिस्टेंसी बहुत रेयर है सबके अंदर नहीं होती है तो अगर आपके अंदर है कंसिस्टेंटली कोई काम करने की अच्छा काम करने की तो यू आर ब्लेस्ड उसका फायदा उठाओ ठीक है बी होना चाहिए डी होना चाहिए लो भाई आपसे पूछ रहा है इनमें से सही कहां इस्तेमाल है ही कास्ट द डाई होपिंग फॉर अ सिक्स बताइए भाई आई बात समझ में डाइस होती है ना डाइस डाइस होती है ना फिर देखो जरा नीचे मेनी चिल्ड्रेन डाई बिकॉज ऑफ malnutrition न्यूट्रिशन बहुत से बच्चे मर रहे हैं डी आई डाई द म्यूजिक स्टार्टेड टू डाई डाउन एज वी down का मतलब क्या है किसी चीज का कम पड़ना धीमा होना इज डाइंग डाउन और आई यूज टू डाई माई हेयर डाई का मतलब होता है बालों को रंगना ऑप्शन नंबर फोर ठीक जी राइट मेरी क्लास की टाइमिंग फिक्स्ड है अभी आपको मैं बता दूंगी चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से बस आपका क्लोज टेस्ट आने ही वाला है ओवर होने वाली है क्लास एक मात्र एक दो क्वेश्चन और बचे फिर क्लोज टेस्ट आ जाएगा दाट सेट चलो एफ ए आर ई फेयर का मतलब क्या होता है देखें जरा कौन आंसर दे पाएगा लेट्स सी आंसर बताइए चलो ओके ओके डी अगेन चलो फिर से देखो जरा एफ ए -E, फेयर का मतलब होता है किराया किराया बस फेयर ट्रेन फेयर किराया होता है अब देखना द फेयर वाज जस्ट as colorful as always ये फेयर कौन सा है मेला मेले को भी हम फेयर कहते हैं लेकिन एफ ए आई आर वाला फेयर कहते हैं इसमें क्या होगा एफ ए आई आर वाला फेयर हिज पैसेंजर वाज वाइट फेयर स्किन गोरी स्किन को हम फेयर स्किन बोलते हैं एफ ए आई आर ठीक नीचे देखो शी वॉज अ फेयर एंड ऑनेस्ट पर्सन फेयर का मतलब सच्ची थी कोई पार्शालिटी नहीं करती थी एफ ए आई आर फेयर आंसर इसका बिल्कुल सही है बस फेयर हाइक किराए में बढ़ोतरी ठीक चलें यस 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 बहुत अच्छी बात है मार्कंडे वेरी गुड गुड गोइंग आंसर बताइए जरा पी ए आई आर पेयर लेट सी कौन देता है पी ए आई आर पेयर जल्दी जल्दी इसे बताओ सब ही आंसर इसका क्या हो जाएगा चलिए ओके 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 चलो सो पेयर का मतलब होता क्या है किसी चीज को आपस में पेयर बनाना दोनों को कपल करना पेयर बनाना ठीक अब देखिएगा मेरी बात को ध्यान से माई पेयर ट्री ब्लूम लास्ट ट्री पेयर ट्री यहां पर पीई ए आर वाला पेयर है पेयर ट्री पता है ना पेयर क्या होती है नाशपाती इस टाइप का फ्रूट होता है ना पेयर का नाशपाती होती है ठीक नीचे देखो आई कुडेंट फाइंड माई फेवरेट पेयर ऑफ शूज दिस इज एप्सोल्यूटली फाइन नीचे देखो इफ पेयर शेप्ड इफ योर बॉडी इज पेयर पीई ए आर पेयर बॉडी का शेप होता है ठीक है ऊपर से थोड़ा सा पतला जैसे गर्ल्स का शेप होता है नीचे थोड़ा सा चौड़ा ये पेयर शेप होता है दार्ट वॉज डिलीशियस अगेन ये पीई ए आर वाला पेयर है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर इज ऑप्शन नंबर टू ठीक ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाफट से परमानेंट फट कौन देगा आंसर एक सेकंड का सवाल है एक सेकंड का परमानेंट का आंटर एम बताना है टेम्प्रेरी हो जाएगा परमानेंट का मतलब जो हमेशा रहे और टेम्प्रेरी का मतलब जो चीज हमेशा ना टिके चलिए आ गया है जिस चीज का आप इतनी देर से इंतजार कर रहे थे और वो था क्लोज टेस्ट सो so, क्लोज टेस्ट में खुद को चैलेंज दे दो कि पांच में से पांच हमको लाने ही है ठीक है एकदम क्विकली करेंगे मुश्किल से एक मिनट नहीं लगेगा आपके इस क्लोज टेस्ट में ठीक है सो आर यू गाइज रेडी जल्दी से बताओ तैयार हो चलिए पांच एक मिनट भी नहीं लगेगा यार छोटा सा क्लोज टेस्ट है पहला सवाल आपके सामने है आंसर बता दीजिए फटाफट से सब चलो झट से आंसर दीजिए बस बस हो गया बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म तो, तो वैसे चारों हैं ठीक है लेकिन सूरज से इंसान मे के टाइम पे इतना गर्म होता है गर्मी होती है कि सूरज से ऑलमोस्ट आप जल जाते हो सो बर्न बाय सन ऑप्शन नंबर राइट आंसर ठीक है अगला देखिए ब्लैक नंबर टू फटाफट से बताओ जरा इसका आंसर मालियेबल सल्ट्राइड ब्रेकेबल ब्रिटल वॉट द राइट आंसर जल्दी से बताइए ब्लांक नंबर टू ऑप्शन नंबर वन स्टॉम एंड द सीजल इज पर्टिकुलरली डैश एज इट कम्स आफ्टर द रिलेटिवली प्लीज स्प्रिंग मंथ सल्ट्राई का मतलब होता है बहुत ही ह्यूमिड और वार्म ह्यूमिड और वार्म सी हवा चलती है उस टाइम पे बाकी सारे वर्ड्स एयर के लिए इस्तेमाल नहीं होते सो ऑप्शन नंबर टू ठीक चलिए उमस वाली बिल्कुल सही बोला उमस होती है ठीक चलो अगला सवाल ब्लैक नंबर थ्री बताइए अरे आयुषी को हेलो बाद में बोल लेना आयुषी हेलो इतना इम्पोर्टेंट चल रहा है यहाँ पे क्लोज टेस्ट बताइए आंसर जल्दी जल्दी से रोकती नहीं है कि वो बाहर आए फिर भी लोग बाहर आते हैं दैट डज नॉट प्रट पीपल दैट डज नॉट प्रेवेंट पीपल ठीक है अरे भाई प्रेवेंट होगा प्रेवेंट का मतलब रोकना किसी को इतने गर्मी के बावजूद लोगों को ये चीज रोक नहीं पाती है लोग फिर भी बाहर आते हैं ठीक है चलिए आख ब्लैक नंबर फोर है अच्छा जल्दी से बताइए बिल्कुल एस वालों की वोकैबलरी स्ट्रांग होती है क्योंकि रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं यहां पर बताइए क्या हो जाएगा One, right, right कुछ आने वाली है, उसके लिए इस्तेमाल होता है और आखिरी ब्लांक आपके सामने आ चुका है फटाफट फड़ से इसका आंसर दीजिए सारे लोग एक्सोटिंग एक्सटर्मिनेटिंग श्वान शिंग कम आखिरी सवाल है आज का इसके बाद सेशन को फटाफट फड़ से लाइक कर देना सारे ठीक है और असाइनमेंट क्वेश्चन मैंने पी क्यू आर एस को ऑलरेडी आपको दे रखा है ठीक है सो डोंट फॉरगेट टू अटेंड दैट क्वेश्चन उसका आंसर करना जरूर से आपको उसका आंसर देना है ठीक चलिए बताइए एक्सोटिंग चलिए आखिरी सवाल है एक्सॉटिंग बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है कलरफुली डेकोरेटेड शोरूम्स आर

चलिए सो दैट्स इट यही था हमारी आज की क्लास असाइनमेंट मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं ठीक है आंसर उसका सबसे मुझे चाहिए है अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम ठीक है सारी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेंगी क्लासेस की बात करें तो जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उनकी टाइमिंग्स मैं आपको बता देती हूँ ठीक है रेगुलर क्लासेस मेरी सबसे पहली जो मेरी क्लास होती है वो सुबह होती है नौ बजे उसके बाद ग्यारह बजे फिर एक बजे फिर तीन बजे और फिर होती है रात में दस बजे ये है मेरी क्लासेस की टाइमिंग्स डिटेल्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगी कौन सी क्लास कब चलती है ठीक डन और आखिरी चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको कंप्लीट यहां पर गाइडेंस चाहिए है सुपर टीचर्स का इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का तो यू कैन गो फॉर सुपर कोचिंग क्लासेस क्योंकि सुपर कोचिंग में आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लासेस मिलती है कंप्लीट कोचिंग है ये समझ लीजिए ऑनलाइन ठीक है बहुत सारे मॉक्स दो सौ से ज्यादा स्टडी नोट सुपर टीचर्स से आपकी रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस और साथ ही साथ ये चीज हर स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल है क्योंकि जो इसकी फीस स्टार्टिंग है वो थ्री 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 पर मंथ से है और इस पर भी हैवी डिस्काउंट मिल जाते हैं अगर आप मेरा कोड यूज करोगे ए एन ए एन वाई ए दिस इज माई कूपन कोड जो आपको मैक्सिमम पैंतीस परसेंट तक का डिस्काउंट देगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अब कब कब कभ आता है 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 राजमीना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में में बता इट्स ऑलरेडी तो वेरी लेट सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, आप जाके क्लिक करके बैच ले सकते हो ठीक और मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखा रही हूँ यूज कर सकते हैं नवरात्रि थैंक यू सो मच बाय टेक केयर थैंक यूगा